लठ उलझी सुरझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे। आज मैंने लठ निकाली है तो मुझे लठ नूरजहाँ वाली याद आ रही है। लठ उलझी सुरझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे। अरे यार बहुत अच्छी राइटिंग है मेरे बेटे की, बहुत पाली राइटिंग है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं अपने बच्चों को जो है ना ओरल 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 याद कर रहे हैं, मतलब ओरल। कल टेस्ट है इनका, उनके पेपर है, पेपर है, मगर मुझे ज्यादा याद है। आई नो दैट फर्स्ट आता है मेरा बेटा, बस टॉप 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 करेगा। जिस दिन मैं मिठाइयाँ बांटूंगी, मिठाइयाँ टॉप ही तो की है। इस बार टॉप के फाइनल में टॉप करेगा तब मजा आएगा ना। इतनी बड़ी फोटो तस्वीर लगेगी स्कूल के बाहर, है ना, कितना मजा आएगा। नाइन मैट्रिक में लगेगी ना तब मजा आएगा। अभी तो छोटी क्लासेज है ना, अभी तो बड़ी क्लासेज में जाओगे ना बेटा, स्कूल के बाहर लगती है बड़ी बड़ी तस्वीरें। अदीमा भी लगी हुई है, मुझे ट्रॉफी मिली थी याद है। हाँ याद है, मेरी हर जगह फोटो लगी थी। हाँ फेसबुक में। अच्छा जी, गाना कैसा लगा आप लोग को बताइएगा मुझे। चले लठ उलझी से शुरू करते हैं गाना, और हो गया। अब हम जा रहे हैं किचन में। किचन में आप लोग को लेके चल रही हूँ, लेके चल रही हूँ। आज संडे का दिन है, सही है। और अब मैं आप लोग को क्यों लेके चल रही हूँ संडे को, क्योंकि आज संडे के दिन ना मेरा बड़ा रिलैक्स डे होता है, संडे वाले दिन। बाकी तो मेरे दिन बड़े बिजी 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 जाते हैं, मेरे लिए अपने लिए भी वक्त नहीं होता। बहरहाल मैंने आज बनाना है वही वाला नुस्खा जो कि पिछले इतवार वाले दिन बना रही थी, और फिर मैंने उसको धूप पे रखवा दिया था। एनी हाउ कल हमने धूप से उठवा लिया, आज वो बनाने जा रही हूँ। आप लोग को पता है वो नुस्खा बहुत 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 जबरदस्त नुस्खा है। बस ये समझ लेंगे जैसे हम जैसी खवातीन जो कि हम लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकती, बाहर हम लोग वॉक करने के लिए नहीं जा सकती, या एक नॉर्मली जैसे बोलते हैं हम लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकती, बहुत सारे हमारे खवातीन के बहुत मसले इश्यूज होते हैं, तो हमारे लिए ये सबसे बेस्ट नुस्खा होता है, जिसको जो कम टाइम में हम लोग अपने लिए जो है ना अच्छे से अच्छी चीज जिसे बोलते हैं प्रोवाइड कर सके। तो वो नुस्खा मैं तैयार करने जा रही हूँ, और उसका क्या किस तरीके से तरीकेकार है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। चलें किचन में चलते हैं। चलें जी किचन में चल रहे हैं। और ये बता दूं सिंगिंग जो है ना मेरे रग रग में रग रग में बसी पड़ी है, और ये मेरा शौक जो है ना पता नहीं कोई कितने बचपन से है, बचपन से है ये। ये देखेंगे आ गया हमारा थाल, थाल इसमें आटा गूंथती थी, और इतने दिन तक आटा गूंदने के लिए मुझे इतना प्रॉब्लम हुई है। और मैंने जो है ना आटा पता है किस में गूंदा है, मैंने गूंदा था बाउल में, तो बड़ी मुश्किल हो जाती थी, मगर मैंने कहा कोई गल नहीं, मैनेज। इससे अच्छा बर्तन मुझे और मिल नहीं रहा था, और ये सबसे पुराना मेरा थाल है। और ये थाल हमारा कितना पुराना है मैं आपको बताऊँ, कैन यू इमेजिन, जब मेरी शादी हुई थी तब से है ये इतना पुराना। तो बस जो चीज़ें जो जितनी पुरानी हो जाती है ना, कुछ यादें होती है ना वाबस्ता इंसान की, क्योंकि जब शादी हुई थी ना मेरे पास चंद चीज़ें थी, चंद में से ये बता दूँ, खाना पकाने के लिए पतीली भी नहीं थी, तो सामने वाले से ले कर ना मैंने एक दफ़ा ऐसा किया था कि बर्तन ले के ना मैंने उसमें खाना पकाया था, और वो गोल पतीली थी जिसके अंदर मैंने पकाया था चावल, और फिर मैं इतना 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 रोई थी कि बे इंतहा रोई थी, मगर फिर शुक्र अदा किया, मैंने कहा चलो पकाने के लिए कुछ मिला तो सही। मैं नहीं हाँ, तो जो पुरानी चीज़ें होती है ना बड़ी यादगार होती है। मुझे तो वो वक्त अभी तक जिसे बोलते हैं ना, हमारे पास कुछ नहीं था मगर हमारे पास खुशियाँ बहुत थी, मगर अब मेरे हिसाब से सब कुछ है, खुशियाँ नहीं है। तो चलें जी कोई चीज़ नहीं है, ये टूट भी गया ना उसके बावजूद भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जो हूँ ना इसके बारे में आपको सारी डिटेल अभी फिर से बताती हूँ। ये देखें जी हमारा गांव वाला तरीकेकार, आप लोगों ने भी यही करना है कि इसको अच्छे तरीके से जो है ना इस तरह से करके कचरा सारा निकाल देना, वो कचरा वो सारा निकला हुआ बहुत ज्यादा निकला है कचरा। तो मैंने इसको पहले जो है ना धूप लगवाने से पहले इसका सारा कचरा वगैरह जो भी था वो मैंने साफ कर लिया था, जैसे डंडियां वगैरह ये सब चीजें, सौंफ जीरा कलौंजी और हम अजवाइन यूज कर रहे हैं, सिर्फ अजवाइन 225 ग्राम थी, बाकी 250 ग्राम के हिसाब से ये सारा मटेरियल है।
और इसका जो प्रोसीजर है ना वो ये है जनाब, आइए बिना इंतजार किए, आइए जल्दी आइए मेरे किचन पे मत जाइएगा, मैं किचन अभी साफ करूंगी। ये मैंने लिया खाली बर्तन, चूल्हा फ्लेम जला दिया मैंने, और इसको हमने क्या करना है, इसको बहुत धीमी आंच पे रोस्ट करना है, ठीक है जी। और आज जो है ना इसको रोस्ट करेंगे हम, इतना रोस्ट करेंगे यानी धीमी आंच पे कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, ठीक है जी, इसका हल्का सा चेंज हो जाए। और इसको आज मैं बना रही हूँ इसलिए भी क्योंकि आज संडे का दिन है, मेरे हस्बैंड घर पर हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो बिजी हो जाएंगे, फिर टाइम ही नहीं मिलता, फिर एक संडे का दिन होता है हमारे पास बात करने को लिए भी, पता है आप लोगों को, सिर्फ एक दिन होता है हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के ना जो गिले शिकवे बातें चाहते होती हैं वो कर लेते हैं, वरना मैं उनसे थकी हूँ वो मुझसे थकी हूँ। हमारा भी संडे का दिन होता है, हाँ दुखी इंसान। हाँ देखिए जनाब, ये फासिया जो है ना चम्मच चला रही हैं, और इसमें से हिस्सा जो है ना इनके टीचर को भी थोड़ा सा हम देंगे, क्योंकि विकास वो भी थोड़ी मोटी मोटी सी है तो इनकी टीचर को भी दूंगी मैं यहाँ से। और इसको जो है ना हमने रोस्ट करने के बाद लास्ट में आपको मैं ये बता दूं बस जी, इसको करना है रोस्ट, और रोस्ट करने के बाद आपने करना क्या है कि इसको जो है ना, इसको पंसार की दुकान से जो है ना आप लोगों ने बहुत बारीक फॉर्म में पिसवा लेना है पाउडर, और अगर आपके पास चॉपर अच्छा है तो आप चॉपर में पिसवा लें। मैं जो हूँ ना इसको रोस्ट करके अभी रख दूंगी ठंडा होने के लिए, और फिर उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने अपने हस्बैंड को दे देना, वो जाएंगे पंसार की शॉप से इसका पाउडर बनवा कर आएंगे। एक चम्मच आपने खाना है शाम को, और एक चम्मच खाना है आपने रात को, और इसका कोई ऐसा बंधा लगा वो नहीं है, जैसे कि बोलते हैं ना कि निहार मुँह खाना है या खाने के बाद, बस आप खाना खाने के बाद जब आप खाएंगे तो उसके बाद आपने जो है बस पानी पी लेना, उसके बाद एक्स्ट्रा जैसे फिर से फूडिंग वगैरह, ये फूडी वगैरह जो लोग होते हैं ना लेट नाइट चीज़ें खाते हैं तो वो मत खाइएगा, बस आपने लास्ट टाइम जो है ना इसका यही करना है कि खाना है, और थोड़ा सा रेस्ट देना एक दो घंटे का, यानी कि आप लोगों ने मुँह नहीं चलाना मेरी तरह, ठीक है। ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है काफ़ी हद तक, वो खुशबू आने लगी है इसमें से, भीनी भीनी खुशबू आ रही है, तो मैंने इसका फ्लेम जो है ना ऑफ़ कर दिया है, ठीक है। और अब जो है ना इसको ये देखें कड़कड़ाने भी लगी ना, हल्की हल्की सी कड़कड़ाने लगी है, तो अब जो है ना मैं इसको निकाल रही हूँ, क्योंकि ये बर्तन जो है ना काफ़ी गर्म हो चुका है, तो फिर ये एक साइड से जल ना जाए, डार्क ब्राउन हो जाएगा, एक साइड से बिल्कुल सही रहेगा, तो अभी जो है ना इसको निकालती हूँ मैं। अब देखें जनाब, ये इस कलर में आ गया, कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से, इसकी खुशबू कोई इतनी मज़ेदार आ रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अभी इस टाइम ना, तो बस आप लोगों ने यही करना है। अगर मैं तो इस्तेमाल करूँगी इंशाल्लाह आज रात से ही, क्योंकि अभी मेरा हस्बैंड को मैं भेजूँगी तो वो जब जो है पिसवा कर आएंगे, तो इंशाल्लाह आज रात से देखें ट्राई करते हैं। और अगर किसी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे पास टिप्स होती हैं, मैं खुद ही नहीं वो करती, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह से खुद इतना ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना इंटेलिजेंट्स हैं। और बस ये जो है ना बहुत ही मज़ेदार सा नुस्खा आज मैं तैयार हो गया, मैं बड़ी खुश हो रही हूँ मुझे फीलिंग्स आ रही हैं एक्चुअली कि मैं दुबली हो गई हूँ, यू नो, तो तो आज जो है ना ये इस्तेमाल करूँगी इंशाल्लाह मैं। और अब जो है ना आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और बस यही बोलूँगी, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और हमारे सब्सक्राइब जो कि आते हैं और चले जाते हैं, पहले मैं बहुत टेंशन लेती थी, बहुत 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 ज़्यादा टेंशन लेती थी, और अब मैं टेंशन नहीं लेती, बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, तो सब्सक्राइब तब चला जाता है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि वो ऑल का बटन दबाते नहीं होंगे, बस वो पर्सनल पे वो करके बस ऐसी ऑन किया और बस चले गए, तो कोई गल नहीं, जिसका जैसा नसीब होता है वैसे ही मिलता है, तो अल्लाह पाक जो है ना हर किसी के लिए खुशियाँ लाए और खुश रहें, मैं भी खुश रहूँ ताकि चलें जी, अल्लाह हाफिज़।